है डालिए नया टॉपिक ज्योमेट्री। ज्योमेट्री स्टार्ट करते सर। ज्योमेट्री सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पूरी क्लास 9th और 10th, ठीक है। 8th पे भी इम्पोर्टेंट ज्योमेट्री, ठीक है। क्यों है, क्या है ज्योमेट्री, है क्या सिनेमा ज्योमेट्री, ठीक है। तुम सबने कुछ चीजें पढ़ी होंगी, जैसे बचपन में पढ़ा था लाइन पढ़ा था, एंगल पढ़ा था, बेसिक बेसिक चीजें, लाइन एंगल, लाइन सेगमेंट पढ़ा था, हाँ रे भी पढ़ा था, पढ़ी थी चीजें, रे पढ़ा था, और ठीक है पढ़ा था बेसिक, और लाइन लाइन सेगमेंट, ठीक है रे, ठीक। इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है, अभी तो बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे, एकदम बेसिक, ठीक है। क्या होता है लाइन, लाइन होती क्या है, बेसिक से एकदम ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, लाइन एंगल लाइन सेगमेंट इन सबके साथ खेलेंगे ज्योमेट्री में, ठीक है। और कुछ नहीं, ज्योमेट्री बहुत प्यारी चीज है, मजाक की बात है, सबसे अच्छी चीज है ज्योमेट्री। अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत याद करने की आदत, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अगर याद करने की आदत, तुम्हारी ज्योमेट्री बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। क्या करना है सर, जो थ्योरम पढ़ाओ उस थ्योरम को अच्छे से पढ़ लेना, जब भी पढ़ाओ जिस क्लास में उसको अच्छे से पढ़ लेना, थ्योरम का खेल है सारा का सारा, ठीक है। अगर तुम 9th में जाओगे 10th में जाओगे थ्योरम आ जाएगा, बट थ्योरम, ठीक है। थ्योरम होती क्या है, थ्योरम एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, स्टेटमेंट लिखी होती है, स्टेटमेंट मतलब कोई बात कही होती किसी ने, ठीक है। उसको मैं मैथ्स में यूज करता हूँ बस, ठीक है। जैसे मैंने बोला किसी ने तुम्हें बता दिया 2+2=4 होता है, तुमने आज से किसी पूछा क्यों होता है, मानते हो ना कि 2+2=4 होता है, मान के चल रहे ना, तो वही वाली बात है कि किसी ने बोल दिया कि ऐसा, कि जैसे अभी पाइथागोरस थ्योरम यूज करी थी, तो हमने बोला ना हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पूछा था यही हुआ था, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये पाइथागोरस ने कही होगी ये बात, है ना, ये बात किसने कही होगी, पाइथागोरस ने, उसको बस मैथ में यूज करते हो, ठीक है। तो थ्योरम बस इतनी है तुम्हारे लिए, और कुछ नहीं है थ्योरम, ठीक है। बाकी थ्योरम से रिलेटेड जो बात करेंगे वो तुम्हारी क्लास के रिस्पेक्ट में करेंगे, जब भी तुम्हें पढ़ाएंगे जो भी क्लास में, ठीक है। अभी बात करता हूँ बिल्कुल बेसिक की बात करूंगा ज्योमेट्री में, तुम्हें ये सिखाऊंगा ज्योमेट्री है क्या, ठीक है, उसमें किस किस टाइप के एंगल्स बनते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे खेल एंगल्स का, ठीक है, कि कब तुम्हारा वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, कब तुम्हारा एडजेसेंट एंगल बन रहा है, कब तुम्हारा लीनियर, बहुत सारे एंगल निकलेंगे बाहर, है ना, उन्हीं की सारा खेल है, सारा का सारा खेल कितना है इन्हीं एंगल्स का, ठीक है। एंगल का खेल है और थोड़ा लाइन का खेल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सबसे पहले बेसिक से, एकदम लाइन से, ठीक है। तो लिखेंगे लाइन की डेफिनेशन, कुछ छोटी छोटी चीजें दिखा रहा हूँ, लिखो लाइन की डेफिनेशन, लाइन LINE, लाइन क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन के क्या नहीं होते, एंड पॉइंट होते कि नहीं होते, नहीं होते, लिखो लाइन डज नॉट हैव एंड पॉइंट, क्या नहीं होते लाइन के, डज नॉट हैव एंड पॉइंट, अंतिम बिंदु नहीं होता ना, डज नॉट हैव एंड पॉइंट, तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, कहीं पे भी खत्म हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले लाइन, नेक्स्ट लिखेंगे लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है, जो मतलब फिक्स होती है कि मैंने 10 सेंटीमीटर खींचे 10 सेंटीमीटर खींचूंगा, लेकिन लाइन को मैं आगे पीछे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि एंड पॉइंट नहीं है ना लाइन के, लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होते हैं, तो लिखेंगे लाइन सेगमेंट हैव एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट हैव एंड पॉइंट्स, लिख दे जल्दी जल्दी, लाइन सेगमेंट हैव एंड पॉइंट्स। अगला लिखेंगे एंगल, एंगल, एंगल क्या होता है, जरा किसको पता है एंगल, तो देखो हुआ क्या, दो पेन एंगल पेन दी डिपेंड, मान लो एक लाइन ही आई, एक लाइन ही आई, दो लाइन आई, जब दो लाइन आपस में दूसरे को कट करेंगे, क्या करेंगे कट, तो जो ये बीच का जो है ना यहाँ ये एंगल कहलाता है, क्या कहलाता है एंगल। लाइन क्या, एंगल क्या है, सिर्फ इतना रखना, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइन आपस में क्या करेगी इंटरसेक्ट, तो जो चीज बनती है उसको हम एंगल क्या बोलते हैं, एंगल। देखो जहां जैसे एक लाइन मान लो ये है, दूसरी लाइन यहां से ही ऐसे काट, कोई दिक्कत तो नहीं है, दो लाइनें कट करी ना, कट करे या टच करे, कट करे या तो टच करे, तो जो ये बनता है इसको हम एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं एंगल, समझ में आ गया। तो लिखेंगे एंगल की डेफिनेशन, लिखना व्हेन टू लाइंस, व्हेन टू लाइंस कट और इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हेन टू लाइंस कट और इंटरसेक्ट ईच अदर, कट और इंटरसेक्ट ईच अदर, द एंगल विल बी फॉर्म, क्या बनेगा एंगल, द एंगल विल बी फॉर्म, लिख दिया।
अच्छा अगली बात रे, रे लिखो, रे की डेफिनेशन रे, जैसे सनरेज हो ना, सनरेज तो सुना है सनरेज है ना, अच्छा बताओ सनरेज क्यों होता है, पता है किसी सनरेज को क्यों बोला जाता है, एक पॉइंट स्टार होती है और दूसरे में एंड डैश होती है, बहुत सनरेज का मतलब भी पता लग गया, रे की डेफिनेशन रे ऐसा होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता, क्या बोला, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता उसको हम रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं रे, जैसे सन रे तो ये तो पता है ना सन से आ रही, सन रे आ कहां से रही, सन से आ ये पता है कहां तक जाएगी, नहीं पता, कहीं तक भी जा सकते, ऐसे हो सकता है मेरे घर तक आए थे या उसके घर तक, कहीं तक भी जा सकते हैं ना, हमें पता कि तो सन रे क्या होती है या रे क्या होती है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं पता होता, तो लिखेंगे रे की डेफिनेशन, रे की डेफिनेशन रे है, रे लिखो, रे इज अ लाइन, एक टाइप की लाइन ही होती है, लाइन विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट, विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन क्या नहीं होता, एंड पॉइंट नहीं होता, ये एंड वाला पॉइंट है ना, एंड पॉइंट नहीं होता, समझ में आ गया, तो ये हो गया तुम्हारी किसकी डेफिनेशन, रेस की, समझ आ गया, रेस क्लियर हो गया तुम्हारा, ठीक है, अच्छा रे हो गया, ये हो गया ज्योमेट्री का बेसिक एग्जांपल, ठीक है, अब हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है वो हमारी, लिखो हाँ, स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज, मजेदार चीज, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के अलग अलग प्रकार है, टाइप्स ऑफ एंगल, तो बिल्कुल बेसिक सा बता रहा हूँ, सबसे पहले लिखो, सबसे पहले एक्यूट एंगल, लिखो सबसे पहले एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ए सी यू टी ई, एक्यूट एंगल, क्या होता है एक्यूट एंगल, 90 से कम, 90 से कम होते, ठीक है, तो मैं खाली ऐसे करके लिखूंगा, देखो मैं ऐसे लिखूंगा, तुम लोग तो पूरा लिखोगे द एंगल विच इज लेस देन 90 बोलते हैं ना जी, अच्छा एक्यूट से पहले एक एंगल आता है जीरो एंगल, जीरो एंगल होता है ना, जीरो एंगल होता है जो जीरो डिग्री का होता है, कितने का होता है, जीरो डिग्री, मैं एंगल कैसे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से एंगल कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, जैसे मैंने ऐसे लिखा थीटा लिखा, क्या लिखा थीटा, थीटा कितना जाता है, ऐसे काम करना, एक काम करना एंगल ए लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल ए कितना होता है जीरो, कितना होता है जीरो, जहां पे एंगल जीरो डिग्री का बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा जीरो डिग्री, वो कहलाता है हमारा जीरो एंगल, क्या कहलाता है जीरो एंगल, उसके बाद एक होता है एक्यूट एंगल, कौन सा एंगल होता है एक्यूट एंगल, इसमें एंगल ए क्या होता है 90 से छोटा होता है तो लेस देन 90 सही लिखा, 90 से क्या होता है छोटा, लेस देन का सिंबल सही लगा, ऐसे लगाते शायद, लेकिन 0 से तो बड़ा होता है ना, एंगल ए ग्रेटर देन 0, समझ में आ गया, 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, जैसे इसमें 91 आएगा क्या, नहीं आएगा, 89 आएगा, हां 89 आएगा, मैं 0 से 89 बोला ना, 90 से छोटा का ही, 90 से छोटा और 0 से बड़ा वो कहलाता है एक्यूट एंगल, कौन सा एंगल कहलाता है एक्यूट, एक होता है इसका राइट एंगल, कौन सा होता है राइट एंगल, 90 डिग्री, राइट एंगल लाइन से क्लियर है, जिसका एंगल ए कितना होता है 90, कितना होता है 90 डिग्री, लिखेंगे एंगल इज इक्वल टू 90, अच्छा अगला ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा 90 से बड़ा, 90 से बड़ा होता है 180 से कम, बहुत बढ़िया, ग्रेटर देन 90 होता है लेकिन 180 से क्या होता है छोटा, समझ में आ गया, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ठीक है नोट कर दो साथ साथ, इतना यही नोट करना है, सब कुछ नहीं होता बिल्कुल, जैसे जैसे लिखा वैसे लिख दो, ठीक है यही मेन काम है, थोड़ी डिफिकल्ट चीजें हैं, घर में जाके एक बार पढ़ना पड़ेगा, याद रखना इसको, घर में एक बार जाके इन सब कुछ चीजों को पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से, है ना, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, जीरो एंगल, ठीक है, इसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल, कौन सा एंगल आता है स्ट्रेट एंगल, जिसमें एंगल होता है 180 डिग्री, कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री, बनाओ एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल हो गया, अब क्या बनेगा ये रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, किसके बीच में होता है 180 से बड़ा 360 से छोटा, और 360 से छोटा, ठीक है, कितना अगर हम बताना था तो लास्ट आता कौन सा कंप्लीट एंगल, कौन सा एंगल आता है कंप्लीट एंगल 360, बहुत बढ़िया, कौन सा एंगल होता है जिसका 360, अगर हमारा एंगल 360 हो उसको हम नोट कर लेते हैं,
ये हो गए तुम्हारे सारे एंगल तुम्हारे सामने, ठीक है, जितने एंगल बन सकते थे, ठीक है, बेसिक लिख लो। यहाँ टाइप ऑफ एंगल डालना, वहाँ ब्रैकेट में बेसिक लिख देना, बेसिक। यहाँ टाइप ऑफ एंगल हेडिंग डालना, उसके ब्रैकेट में बेसिक लिख देना, क्योंकि ये बहुत बेसिक एंगल है, ठीक है, ये तुम्हें आने चाहिए पहले बेसिक। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। जीरो एंगल क्या होता है? जीरो एंगल कितने डिग्री का होता है? जीरो डिग्री का। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल किसके बीच में होता है? जो जीरो और 90 के बीच में, 90 बिल्कुल सीधा होता है ना, तो जीरो और 90 के बीच में, ठीक है। उसके बाद कौन सा होता है आप लोगों को? राइट एंगल ट्रायंगल, जो बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का, कितने का होता है? 90। अभी हम लोग आगे जाके तुम्हारी जो भी क्लास होगी, जो 8th होगा वो 8th वाला, जो 9th होगा 9th वाला, जो 7th 6th जिसमें भी होगा, उसमें तुम्हें एंगल बनाना सिखाएंगे। क्या बनाना सिखाएंगे? एंगल। तब देख लेना कितने डिग्री एंगल बन रहा, क्या होता है एंगल, बिल्कुल सॉरी 90, राइट एंगल क्या होता है? बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है, 90 डिग्री। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस किसके बीच में होता है? 90 और 180 के बीच में, 90 यहां 180 सीधा डेटा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो होता है ऑब्ट्यूस। क्या होता है? ऑब्ट्यूस। उसके बाद मैंने बोला रिफ्लेक्स, कौन सा बोला? रिफ्लेक्स नहीं, स्ट्रेट एंगल। क्या बोला उसके बाद? स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? जो 180 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आया रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स होता है 180 से लेकर 360 के बीच में, ठीक है। और लास्ट में कौन सा होता है? कंप्लीट एंगल। कौन सा कहलाया? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? जो किसके 360 होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गए सारे एंगल, ठीक है। एक लिखेंगे नेक्स्ट, नोट डाल के लिखना, नोट डाल के एंगल का एक और टाइप होता है, लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, COMPLEMENTRY, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखा। द एंगल ऐसे लिखना, द पेयर ऑफ एंगल, पेयर मतलब, पेयर मतलब क्या होता है? दो जोड़ी। हां, द पेयर ऑफ एंगल हैविंग सम 90, द पेयर ऑफ एंगल हैविंग सम 90 डिग्री। सम कितना होना चाहिए? 90। सम मतलब जोड़कर उनको सम लिखना, एसवीएम होता है सम, सम कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो जिन एंगल को मान लो, दो एंगल है, एक एंगल हमारे पास ए है एक बी है, अगर उनको प्लस करके 90 आता है, क्या आता है? 90। तो बोलूंगा ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलूंगा? ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे ए अगर 30 है तो बी कितना होगा? 90 होने का, 60। देखो ए है हमारे पास 30, बी अगर 60 है तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? बिल्कुल होंगे ऐसा, ठीक है। अच्छा, अगला लिखो सप्लीमेंट्री, जो बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल लिखना, स्पेलिंग लिखिए सप्लीमेंट्री एंगल, लिखो द पेयर ऑफ एंगल हैविंग सम 180 डिग्री, द पेयर ऑफ एंगल having some 180, the pair of angle having some 180 degree। तो दो एंगल जिनको प्लस करके कितना आता हो? 180 आता हो, कितना आता हो? 180। जैसे एक 120 है, दूसरा कितना होगा? 60। क्या 180 होगा प्लस करके? हाँ, अगर प्लस करके 180 आएगा तो बोलूंगा क्या है? सप्लीमेंट्री। क्या है? सप्लीमेंट्री। क्लियर हो गए कुछ? ठीक है, दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एकदम क्लियर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब प्लस करके 90, सप्लीमेंट्री मतलब प्लस करके 180, खत्म, ठीक है। ये हो गया हमारे टाइप ऑफ एंगल का बेसिक एंगल। जिसको टाइप ऑफ एंगल का बेसिक समझ में आ गया वो बढ़ता है इसके अलग लेवल में। अगला लेवल क्या होगा जिसमें बात करूंगा आपके साथ? लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल, पैरेलल लाइन एंगल। पैरेलल लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग करेंगे ट्राइंगल्स, चार टॉपिक और पढ़ा दूंगा, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे लीनियर पेयर वगैरह, टाइप्स ऑफ एंगल, एडजेसेंट एंगल, वर्टिकल ओपोजिट एंगल, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक वो चाहता हूं कि सम सारे एंगल्स को प्लस करके कितना आता है? 180 डिग्री और पैरेलल लाइंस, ठीक है। कल यही चलेगा सारा का सारा, चार टॉपिक चलेंगे क्या पूरे के पूरे? कल ज्योमेट्री पूरी इसमें समाप्त हो जाएगी, ठीक है। कल ज्योमेट्री खत्म करने के बाद हो सकता है कर लिया परसों से वो स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा अगला टॉपिक। कौन सा अगला टॉपिक? स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक और प्रॉबिलिटी करा ली, बाकी सारा हो चुका है, ठीक है। और एक दिन शॉर्ट ट्रिक चलेगी, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बहुत प्यारी प्यारी है। शॉर्ट ट्रिक मतलब ऐसा होगा कि तुम्हें कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर दोगे, तुम दिमाग दिमाग में कैलकुलेशन करने लग जाओगे, ठीक है, हमारे हिसाब से, ठीक है। चलो फिर जा सकते हो, बना वो ग्रुप में ऐड करा हुआ तो लिंक ज्वाइन कर देना। खोल दिया।